फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एग लबाबदार। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और बनाने में भी बहुत ही इजी होता है। आप अगर रोज रोज का एक रेसिपीज खा के बोर हो चुके हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी डिफरेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर मेरा वीडियो फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग लबाबदार बनाना। मैंने यहाँ पर 6 बॉइल्ड एग्स लिया है, जिनमें से 5 को मैंने हाफ में कट कर लिया और एक को अलग रखा है। और लिया है 2 मीडियम साइज के ऑनियंस, ऐसे बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐसे राफली चॉप्ड, 10 बड़ा काजू, 3-4 गार्लिक क्लोव्स, थोड़ा सा जिंजर, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और कसूरी मेथी। इसको ड्राई रोस्ट करके फिर हाथ में क्रश करके डालना है। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बनाऊंगी, आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं। मसाले में लगेगा 1 तेजपत्ता, 3 क्लोव्स और 3 ग्रीन कार्डमम, और लगेगा 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं टोमेटो का एक पेस्ट बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में 1 कप वाटर। इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर और इसके साथ साथ कैश्यू यानी काजू बादाम और जिंजर गार्लिक और कार्डमम और क्लोव्स। इन सबको मुझे थोड़ा सा 4-5 मिनट बॉईल करना है ताकि ये वाटर पूरा सूख जाए और ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको ढक के पकाऊंगी। 4 मिनट हो गया है तो देखिए ये पानी भी सूख गया है, टमाटर भी एकदम नरम हो गया है। तो अभी मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। आप अगर चाहे तो टमाटर का स्किन निकाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं विद स्किन ही बनाऊंगी। ये देखिए मेरा ये पेस्ट रेडी है। तो अभी मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो उसी सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 तेजपत्ता, इसको 5-6 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ऑनियंस। इस प्याज को अच्छे से फ्राई करना है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए मेरा प्याज एकदम फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें उस टमाटर पेस्ट को ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें अभी ऐड करूंगी। अब इस मसाले को अच्छे से पकाना है जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। मीडियम फ्लेम को मैंने रखा है यहाँ पे गैस को और इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए मसाले से तेल अलग हो गया है। तो अभी मैं इसमें पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड करूंगी। टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। इस सबको अच्छे से मिक्स करके इसको और 3-4 मिनट पकाना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी यूज किया है।
पानी में इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसको मैं ढक के 5-7 मिनट तक इसको पकाऊंगी। तब तक मैं कसूरी मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ। अब इस पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं कसूरी मेथी को थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगी। इससे ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट हो गया है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। अभी 7 मिनट हो गया है, अभी ग्रेवी को देखती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए एकदम थिक भी हो गया है। अब इस कसूरी मेथी को मैं अपने पंप पे थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालूंगी। ये देखिए मैंने पंप पे ले लिया है, इसको ऐसे क्रश करके इसमें डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी फ्रेश क्रीम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इस पे एग्स को ऐड करूंगी। तो ऐसे धीरे धीरे एग्स को इसमें डालना है, इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है। अभी ग्रेवी को एग्स के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी इस तरह से। ये देखिए ऐसे मैंने डाल दिया है एग्स के ऊपर ग्रेवी को। अभी मैं इसको ढक के 3-4 मिनट लो फ्लेम पे थोड़ा सा पकने दूंगी। तीन मिनट हो गया है, अभी मैं इसको खोलूंगी। ये देखिए एग लबाबदार एकदम रेडी है, बस थोड़ा सा गार्निशिंग ही बचा है। इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी, और वो जो फुल एग था उसका जो व्हाइट पार्ट है उसको थोड़ा सा ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए मेरा एग लबाबदार रेडी है, अभी मैं इसको सर्विंग बोल पे लेके सर्व करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और क्या स्मेल आ रहा है इसमें से। तो आप इस प्रोसेस में इसको जरूर बनाएं, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।